सुल्तानपुर में छठे चरण में यानी कि 25 मई को चुनाव होने जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो यहां का मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। अवध क्षेत्र में गोमती किनारे बसे सुल्तानपुर की सल्तनत किसी एक चेहरे की मोहताज नहीं रही है। सुल्तानपुर के मजरू सुल्तानपुरी ने क्या खूब लिखा है, हम है मताए कूचा ओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। जी कूचा मने तंग गली, जिस तरह से गली में लोगों का आना जाना बना रहता है, वैसे ही सुल्तानपुर की सियासत में नेताओं का आना जाना भी कुछ ऐसा ही है। चुनाव दर चुनाव ये सीट चेहरे बदलती रहती है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ की सल्तनत पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन रायबरेली और अमेठी सीट की तरह कभी इस सीट को वीआईपी सीट का दर्जा नहीं मिला। एक तरफ यहां से भाजपा की तरफ से मेनका गांधी ताल ठोक रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा गठबंधन में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। सपा ने इस सीट पर पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर के जलालपुर के रहने वाले भीम निषाद को टिकट दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर गठबंधन ने अपने प्रत्याशी को बदलकर यहां का समीकरण ही बदल दिया। अब गठबंधन प्रत्याशी राम भुआल निषाद मैदान में है। आपको बता दें कि मेनका ने 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद कांटे के मुकाबले में बसपा उम्मीदवार चंद्रभद्र सिंह से करीब 14,000 वोटों से जीता था। इस तरह मेनका सुल्तानपुर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला सांसद भी बनी थी। ऐसा नहीं है कि उससे पहले कोई महिला उम्मीदवार यहां से खड़ी नहीं हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले सुल्तानपुर सीट से जितनी भी महिला उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया था, उन सभी को निराशा ही हाथ लगी थी। वहीं अगर पिछले चुनाव यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो यहां मेनका गांधी ने बसपा के चंद्रभद्र सिंह को 14,526 वोटों से हराया था। मेनका गांधी को 4,59,196 वोट मिले थे, जबकि चंद्रभद्र सिंह को 4,44,670। कांग्रेस के संजय सिंह महज 41,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे। बात अगर 2014 के चुनाव की कर लें, तो मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी यहां से सांसद चुने गए थे। वरुण ने बसपा के ही पवन पांडे को 1,78,902 वोटों से हराया था। उस समय 2,28,144 वोटों के साथ सपा के शकील अहमद तीसरे और 41,000 वोटों के साथ कांग्रेस की अमिता सिंह चौथे स्थान पर थी। उधर 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर संजय सिंह विजयी हुए थे, बसपा के मोहम्मद ताहिर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सूर्यभान सिंह चौथे स्थान पर थे। तो कुल मिलाकर लगातार तीन चुनावों में बसपा दूसरे स्थान पर रही है। उधर 2024 के रस्साकसी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मैदान में है। ऐसे में सपा कांग्रेस का गठबंधन मेनका गांधी के विजय रथ को रोक सकता है। ये तो बात हो गई यहाँ के चेहरों की। अब चलिए समझ लेते हैं कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है। जातीय समीकरण के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ का मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। बसपा ने यहाँ कुर्मी मुसलमान और पिछड़े जाति के लोगों को साधने की कोशिश की है। आंकड़ों की बात की जाए तो बसपा ने यहाँ 1,00,000 से अधिक मतदाता संख्या वाले कुर्मी समाज को टारगेट किया है। उसके बाद वो करीब 3.5 लाख दलित मतों के सहारे मुसलमानों को जोड़कर चुनाव जीतने की जुगत में है। वहीं समाजवादी पार्टी भी 2,00,000 से अधिक निषाद मतों के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग, यादव मत और मुसलमान मतों के सहारे जीत का रास्ता ढूंढ रही है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर 80% आबादी हिंदू की है, जबकि 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। इस लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी 21.29% है और अनुसूचित जाति की आबादी 0.02% है। इस सीट पर मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी काफी तादाद में है। ये वोटर्स इस पर हार जीत का समीकरण बनाते हैं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को पोलिंग होगी। अब एक बार फिर सपा, बसपा और अपने अपने उम्मीदवार उतारकर सुल्तानपुर के महासंग्राम के लिए जुट गए हैं। ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ लड़ाई किसी दो पार्टी में नहीं, बल्कि मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय है।
बसपा ने कुर्मी उम्मीदवार उदराज वर्मा को उतारकर भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर ली है, तो वहीं दलित और कुर्मी के वोटों के साथ उसे उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय भी उसे जमकर वोट करेंगे। इधर भीम निषाद का टिकट बदलकर सपा ने राम भुआल निषाद को उतार दिया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में करीब 2 लाख निषाद आबादी वाले जिले में बड़ी संख्या में निषाद मत गठबंधन को मिलने का दावा किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो मुस्लिम और यादव मतों का सपा के पक्ष में होना तय माना जा रहा है, जबकि भाजपा के सामने विपक्षी दलों का जातिगत गठजोड़ तोड़ने की चुनौती है। इसी के सहारे सुल्तानपुर का सुल्तान बनने की जंग लड़ी जा रही है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।